हाउ टू मैनेज टाइम. एक्चुअली ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. टाइम को कैसे मैनेज करने के? जो 10 बजे का काम है आपने 10 बजे नहीं किया तो क्या 10 बजे आपके लिए रुकता है? 10 का 11 बज जाता है. जो 11 बजे तक जो काम था वो आपको करना था, आपने नहीं किया, वो तो 1 बज ही जाता है. देयरफॉर यू कैनॉट मैनेज टाइम, क्योंकि टाइम को पकड़ के रखा नहीं जा सकता, क्योंकि टिक 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 करके वो आगे बढ़ती रहती है. लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप टास्क को मैनेज कर सकते हैं. इसका मतलब है जो काम आप 2 घंटे में करते थे, आप अपना काबिलियत को इस तरह से बढ़ाइए, आप अपना स्किल्स को इस तरह से बढ़ाइए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से बढ़ाइए कि 2 घंटे का काम आप 1.5 घंटे में करें. फिर आप अपने कौशल्यों को बढ़ाइए, अपने एटीट्यूड्स में परिवर्तन लाइए, अपने कम्युनिकेशन में परिवर्तन लाइए, अपने सोच में परिवर्तन लाइए, वही काम को आप 1 घंटे में कीजिए. इस तरह से आपको काम जो है, जो आप 1.5 घंटे में कर रहे हैं, उसे 1.25 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, उसके बाद उसको आप 60 मिनट में, उसके बाद 50 मिनट में, 40 मिनट में, इस तरह से आप काम को कंप्रेस करते रहिए अपने कौशल्यों को और कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए. इस तरह से जो भी काम आप पहले 1.5 घंटे में कर रहे थे, वो काम आप 30 मिनट में भी कर रहे हैं, देयरफॉर आप 1.25 घंटा बचा रहे हैं. तो इसीलिए टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता. टाइम को बिल्कुल आप, बिकॉज टाइम को मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. What you can do is task management. You can do self management. अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं, टास्क को करने का स्पीड को बढ़ा सकते हैं, टास्क को बढ़ाने का क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, टास्क को बढ़ाने का कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, इनसाइट्स को बढ़ा सकते हैं. इस तरह से आप टाइम को हमेशा अपने कब्जे में रख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है.